हेलो दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है हमारे लेख का, जिसका टाइटल है द इन्वेंटर हु कैप्ट हिज प्रॉमिस। ये थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है। और पहले भाग में हम बता चुके हैं इनकी लाइफ और इनकी जीवनी के बारे में, कि कैसे, मतलब बचपन से ये बहुत जिज्ञासु थे और बहुत प्रयोग करते थे। उनमें से कई जो हैं असफल भी हुए, क्योंकि उनका कोई सिर पैर नहीं होता था। लेकिन इन इन चीज़ों से एडिसन ने बहुत कुछ सीखा। इनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा इनकी इनकी लाइफ को ऊपर उठाने में, इन्हें शिक्षा देने में, क्योंकि इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। और फिर इन्होंने 12 साल की उम्र में इन्होंने इन्होंने नौकरी करनी शुरू की ट्रेन में। और उसी ट्रेन में अखबार बेच के इन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला लगाई। तो आइए देखते हैं अब दूसरे भाग में इन इनकी इनकी जो लाइफ है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। तो जब एडिसन 15 साल के थे, तो फिर एक वाक्या हो गया जो कि जिन्हों जिसने कि इनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। वो क्या हुआ कि जैसे कि आपने पहले वीडियो के पहले भाग में देखा कि एक्सपेरिमेंट ट्रेन में ही करते थे। इन्होंने एक छोटी सी लैब बना रखी थी ट्रेन में। तो एक दिन वो जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ट्रेन जो है एक कोने से गुजर रही थी। तो जब कोने से गुजर रही थी, तो उस गुजरते वक्त उस कोने के कारण एक झटका लगा, और ये जो फास्फोरस इनके हाथ में था वो जो है ज़मीन पे गिर गया और आग लग गई। तो जब तक ये बुझाने की कोशिश करते, वो अखबार वहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि अखबार भी बेचते थे, वो छापते भी थे। तो उन अखबारों में आग लग गई, और देखते देखते आग काफ़ी बढ़ गई। तो इन्होंने चिल्ला के जो है मदद मांगी। तो जो गार्ड जो था ट्रेन का, वो आया और दोनों ने मिलके जैसे तैसे आग बुझाई। लेकिन क्या हुआ कि इस कारण इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, कि ये काफ़ी डेंजरस घटना हो गई थी। तो जिस रेलवे में ये नौकरी करते थे, उस नौकरी से इन्हें निकाल दिया गया। और अगले 5 सालों तक, मतलब ये 15 साल के थे जब इन्हें नौकरी से निकाला गया, तो 20, मतलब जब 20 साल तक की उम्र में ये, फिर इन्होंने बहुत काम किए, मतलब ये जॉब की वो जॉब की। और लेकिन इससे भी इन्हें फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि ये जो हैं, अगर जॉब नहीं होती थी तो ये लाइब्रेरी वगैरह में जाते थे और वहाँ पे जाके पढ़ते थे, क्योंकि इन्हें पढ़ने का शौक बचपन से ही था। फिर उसके बाद जो है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं फैक्ट्री में काम की जगह पे, ये उनसे जाके मिलते थे, उनसे उनसे सीखते थे, राय लेते थे, सलाह लेते थे उनकी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि इनके पास जॉब नहीं होती थी, तो कुछ समय के लिए ये अपने एक दोस्त के घर पे भी जाके रहे। और ये जो इनका दोस्त था, वो एक कंपनी में काम करता था। एक दिन उस कंपनी की जो मशीन थी, वो ख़राब हो गई। एडिसन ने उसे देखा और उसे उसकी मरम्मत कर दी, ठीक कर दिया उसे। तो जो कंपनी का मैनेजर था, उसने एडिसन को जो है एक नौकरी ऑफर कर दी। तो अब क्योंकि ये कई कई बार बेरोजगार भी रहे थे, तो इनके ऊपर कर्ज हो गया था थोड़ा, तो उन्होंने कर्ज का भुगतान किया। फिर उसी नौकरी के पैसे से इन्होंने अपनी जो प्रयोगशाला थी उसे और अच्छा बनाया, और फिर और बहुत सारे आविष्कार किए। और क्या हुआ कि एक आविष्कार किया, उसके बाद दूसरा आविष्कार किया। तो ऐसे करते करते 1870 में इन्होंने ग्रामोफोन बनाया है। ग्रामोफोन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो ये रिकॉर्ड बजाता था। खैर, आजकल तो ये ज़्यादा नहीं दिखते, लेकिन इसी तर्ज पे बाकी ऐसे ही आविष्कारों का जो मतलब आरंभ हुआ। तो इन्होंने ग्रामोफोन बनाया। अब ग्रामोफोन से जैसे आवाज़ रिप्रोड्यूस होती है, आप वाइनल का रिकॉर्ड रख देते हैं, फिर उसके बाद वो सुई जो है उसको बजाती है। तो कॉन्सेप्ट जो, अब दूसरी चीज़ें भी आ गई, जैसे सीडी प्लेयर आ गया है, जो भी चीज़ आ गई हैं,
लेकिन उसी कंसेप्ट के ऊपर काम करती हैं वो भी। तो जो भी है, इन्होंने उसकी फाउंडेशन रखी आवाज़ को रिप्रोड्यूस करने की, आवाज़ को फिर से सुनने की, आवाज़ को रिकॉर्ड करने की। तो इन्होंने जो है वो फाउंडेशन रखी। अब उस फाउंडेशन पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन जो उसका बेस है वो इनके द्वारा ही बनाया हुआ है। तो उसके बाद जब इन्होंने ग्रामोफोन बनाया तो इन्हें व्हाइट हाउस में भी बुलाया गया और व्हाइट हाउस में इनका इनका स्वागत हुआ। तो उसके बाद इनको बहुत प्रसिद्धि मिली जब इन्होंने ग्रामोफोन बनाया, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गए, तो ये काफ़ी फेमस हो गए उसके बाद। और फिर 1878 में इन्होंने जो है बिजली के बल्ब पे काम करना शुरू किया। तो उस समय तक, मतलब 1880 के आसपास तक, लोग मोमबत्तियाँ और जो है तेल के दीपक का इस्तेमाल करते थे। तो एडिसन ने उनसे वादा किया कि मैं आपको 2 साल के अंदर ऐसी चीज़ दूंगा जिससे आपको इन मोमबत्तियों और तेल के दीपकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा था जो मतलब पहले कभी हुआ नहीं था। तो बहुत लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लेकिन एडिसन जो है, उन्हें पता था कि ये जो है इन्वेंशन वो करने वाले हैं। तो उन्होंने 1,000 प्रयोग किए और सारे के सारे असफल रहे, और वो मेहनत करते गए। तो यहाँ एक छोटी सी बात यह है कि देखिए, हम लोग एक दो प्रयोग करते हैं, एक दो बार ट्राई करते हैं, नहीं होता तो छोड़ देते हैं। 1,000 बार उन्होंने ट्राई किया उसी चीज़ को। अगर दिन में उन्होंने एक बार या दो बार भी री एक्सपेरिमेंट किया तो भी मतलब अब लगा लीजिए कि 2-3 साल लग सकते हैं, और 2-3 साल तक फेल होना। तो काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है और काफ़ी बड़ी बात है हम लोगों को सीखने के लिए कि कैसे मतलब अगर आप प्रयास करते रहो तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो उसके बाद उन्होंने 1,200 प्रयोग किए, तब जाके जो है 1880 में उन्होंने लाइट बल्ब को बना लिया, ठीक है। और इसी साल उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में ये लाइट बल्ब लगाए चारों तरफ, और पूरे अमेरिका से लोग कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ है जिसमें बिना तेल या बिना मोमबत्ती की मतलब ये जलती है, और ये हवा हवा में भी नहीं बुझती। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, और पूरे अमेरिका से लोग इसे देखने के लिए आए। और तो इस तरह उन्होंने अपना जो वादा उन्होंने किया था कि मैं 2 साल के अंदर आपको बिजली का बल्ब बना के दूंगा, और उन्होंने दिया भी। देखिए, उसके लिए वो 1,200 बार फेल भी हुए 2 साल के अंदर। तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी आप देख सकते हैं। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है, पहली बार वहाँ पे बिजली का प्रकाश ये चमचमा गया, मतलब सारा शहर चमचम चमचमा गया बिजली के बल्ब से या बिजली से। और इसके बाद भी एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। और जो उसके बाद तो क्या हुआ कि पहला विश्व युद्ध जो 1900 मुझे लगता है 1912 के आसपास शुरू हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने अपने देश की बहुत सेवा की। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए उस टाइम पे। और 1829 में जब इन्हें जब सिल्वर जुबली थी, मतलब रजत जयंती थी उसकी बिजली के बल्ब की, तो इन्हें बुलाया गया सत्कार सम्मान देने के लिए। तो जब ये उठ रहे थे सम्मान के समारोह में, तो ये फिर बीमार हो गए और 18 अक्टूबर 1931 को इनका निधन हो गया। तो ये थी इनकी एक बहुत संक्षेप में एक बायोग्राफी कि कैसे एक छोटे जिज्ञासु बालक से ये एक इतने महान
व्यक्ति बने। और इनकी दूसरी बात यह है कि ये इन्वेंटर थे, ये वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिससे कि मानव जाति का नाश हो। आपने देखा होगा किसी ने एटम बम बनाया है ना, किसी ने ऐसी मतलब टैंक से लेके पता नहीं फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो इन्होंने ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई। तो इनकी ये असल में भी एक बहुत बड़े महापुरुष थे। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं करूँगा जिससे लोग दुखी हों, और उन्होंने ये वादा भी निभाया। बिजली के प्रकाश से लोगों के जीवन में उजाला आया, ग्रामोफोन से लोगों ने संगीत को सुना, लेकिन इन्होंने बॉम्ब या मानव जाति को नाश करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई। तो आज भी दुनिया को शायद इन जैसे महापुरुषों की ज़रूरत हो। और लेख के अंतिम में कहते हैं कि हर लड़के और लड़की, मतलब कि हर एक को इनका अनुसरण करना चाहिए कि कैसे मतलब जीवन में विफलता मिले तो निराश ना होके सफलता के लिए परिश्रम और प्रयासरत रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था इसका सेकंड और लास्ट पार्ट, और मुझे आशा है शायद आपको इस लेख को समझने में आसानी हुई हो, या इस लेख का जो मेन थीम है वो आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी मदद मिली हो। तो अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको लगता है कि ज्ञानवर्धक है या इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, या जिस किसी को भी ज़रूरत है उनसे ज़रूर शेयर करें। और ऐसी सामग्री हम फिर लेके आपके सामने आते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।